ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, जिस पे हम चल रहे हैं 20 की स्पीड पे। हाँ, अंधभक्त है इस टाइम हम। अरे मैं आपको सरप्राइज देने वाला था। इधर आओ, शक्ल दिखाओ अपनी। अच्छा, आज क्या बनाया भैया? चटनी। मम्मी ने बनाई सिलवट्टी की लाल चटनी और करारी करारी मोटी मोटी रोटी। बहुत बढ़िया। तो चूल्हे बनाने चाहिए रोटी। तो फिर तो चूल्हे बनानी चाहिए ना। जनवरी में चलेंगे तो कम से कम 4-5 दिन के लिए गांव चलेंगे, वहीं चूल्हे वूल्हे पर रोटी बनाया करेंगे, वहीं रखेंगे 4-5 दिन। तो भाई अपनी सिलवट्टी की चटनी ये रही, रोटी लेते हैं, मतलब रोटी लेते हैं, सब्जी अपनी वो चटनी लेते हैं और खाते हैं। पानी हाथ की रोटी में जो बेलना नहीं पड़ता होगा, मियाँ हाथ से मिलती होगी। अच्छा, पानी मुश्किल है ना करना बेलन के रूम। पानी हाथ की जब बनाया जाते ना तो बहुत जल्दी रोटी आते, सब्जी बनाने बाबा बहुत अच्छी सब्जी बनाते थे वैसे, अंडे वगैरह की सब्जी बाबा एकदम मस्त बनाते थे भाई। पनीर भी बनानी है या कटहर की बनानी है, ऐसी बढ़िया बढ़िया आलू वो बोलता है जो ग्रेवी वाली बाबा बनाते। बाबा शौक था ना उनको अच्छा खाने का, घी भी डाल के मस्त बनाते थे वो मसाला डाल देते कटोरी में, दुकान हुई है ये सब पीस देना सिलोड़ी का। अच्छा, ये कौन है इसके अंदर छुपा हुआ भाई? शाबाश, छत पे जितने भी गुब्बारे हैं उन सबको यहाँ से उठा उठा के नीचे फेंक दिया। हाँ, ये खराब हो गया ना, गवा निकल गई। देखो दो, और हर बार सिर्फ दो ही उठाती है, एक पीस लेके जाएगी पूरा, लो नीचे गिर दिया। देखती है पूरा कंफर्म करती है नीचे से गया नहीं गया चेक करके, फिर आती है वहां से। फिर चल दिया भाई। दब गई, आ जाओ निकलो, चलो अंदर चलो, ठंड हो रही है बाहर, चलो अंदर। लोग गाने सुनते सुनते एडिटिंग कौन करता है भाई? आपको कुछ नहीं दे रहे ये सब के सब अकेले के लिए चाय पी रहे हैं? दादी मम्मी पापा भी नहीं रहे। नहीं, मैं भी पी रहा हूँ। नहीं पी रहे ना? बनवाई किसने है? है? किसने बनवाई चाय? मैंने बनवाई, तो तुम क्यों पी रही हो? हमने बनाई है। है? अब मम्मी रस ले गई, मम्मी ओह 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 बिस्किट चाहिए आपको? बिस्किट बिस्किट दे दो भाई, निकाल के उसे दे दो। जोरू पोटी करवाई जा रही है ऐसे आपसे, जबरदस्ती पोटी करवाई जा रही है। नो 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 नो, गरम पानी लाते हैं, अभी निकलेगी। डॉक्टर के पास नहीं जाना तुमको, लेट कराने लग रही थी उसे। तुम और तू होते बेटी दो आगे पे लग रहे हो। कौन जा रहा है भाई अगले पे? अच्छा तुम स्टेटिक कर दिए गए बिठाई। तुम्हें डॉक्टर पास जाना है नहीं जाना? कभी ये कुछ जाती है पॉटी मास्टर पॉटी परिवार। पॉटी तो सब करते हैं भाई, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। पॉटी करने का टाइम होता है तो कौन सा टाइम होता है तुम्हें बता दो। तो हम शाम को करते हैं, सबका अलग अलग है ना भाई। नहीं नहीं, आदमी को दो टाइम करनी चाहिए, सुबह भी और शाम को भी, दो टाइम दो टाइम। अरे दो टाइम कर ले बस, तो दो टाइम तो करा है। जो हम काम गुजारे बैठे तो छोड़ दे। तो तुम चली नहीं रही अब, चलो मैं तो रेडी हूँ, चलो 5 बजे तक चलाए, चलो जल्दी डॉक्टर चला जाएगा, चलो। यहाँ रखो, दूर रखो, मैं पकड़ूंगा यहाँ। अच्छा चाका, बहुत शैतान हो गए तुम तो। The next day. तब अभी बिठाऊंगी तुम्हें। क्यों? एक घंटे से बुला रही हूँ, सब ठंडा हो गया, सब बन गया, क्या फायदा हुआ? तो अब खा लूंगा मैं। मैं वीडियो एडिट कर रहा था, मैं वीडियो डाल रहा था, काम ना करूं। बीच में गाने भी चल रहे थे। गाने नहीं चल रहे थे वो। ना चाहते तुझको करंट लगा रहे हां। अबे वो मम्मी ने चलाए थे वो, मम्मी के मोबाइल में। मम्मी नीचे थी उस टाइम। अरे रील चल गई थी मम्मी के मोबाइल में गलती से। ना चाह तुझे करंट लगा रहे। अभी तो बने भी नहीं है, बन अच्छा? रहे हैं। बन रहे हैं, ठीक है बन गए।
बन चुके हैं, सामने कुछ नहीं बनना है, गैस भी बंद पड़ी है एकदम। खा लूं? खाओ, दूध गर्म करो अपना, सारा ठंडा हो गया है। दमका दमका के तो खाना मिलता है। अच्छा नहीं परेशान क्यों रखा हुआ है? अरे मैं काम कर रहा था भाई, काम नहीं करूंगा तो काम नहीं करूँ, खाना कहाँ से आएगा? मैं करूंगी काम, मैं लाऊंगी खाना। मत करो काम, खाओ वर्क टाइम से। बस खाऊ, काम ना करूँ, क्योंकि मेरे को काम है, इसके बाद मैं इसी में लगी रहूंगी ना पूरा दिन। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, तुम मेरे बना के रख दो। दो बच्चे हैं, एक ये है भारी भरकम बच्चा, एक छोटा ऊपर खेल रहा है। मेरे पास भी बहुत बच्चे हैं, तो खैर बहुत ज्यादा है। मामा का नमस्ते कही तुमने? एक में से डेढ़ ग्लास मिल जाएगा, आधा ग्लास आप भी ना ये 25 मिनट प्ले कर देगा। बेटी तूने खाया है ना, पेट खराब है। तो यहां भैया मम्मी ने बना दिया है छाया के लिए गाजर का हलवा। अच्छा बना लिया अभी तुझे। क्या हो गया भाई? अरे नो 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 नो, कोई बात नहीं। चाय तो वो रोटी में तो रोई रही है, रोई रही है। धक्का मार दिया उसने, वो धक्का मारता है इसमें गंदी। बैठ कर, बैड बॉय। सॉरी बोल दो, सॉरी आ जा। बोलो अब नहीं मारूंगा रूरू। पूछ उनको दीदी कब आओगे? कब आओगे जब आप बुलाओगे? हम तो बुला दे, आ जाओ। अपनी बेटियों के लिए भाई साहब गाजर का हलवा बनाया जा रहा है, हमारे लिए ना बनाया तूने आज तक? नहीं खा नहीं, पर बनाया तो स्पेशली। तू मेरा बेटा बिजार हो चुका है, इसलिए तेरे लिए नहीं बनाया है। नहीं बेटियों के लिए तो भाई साहब स्पेशली, स्पेशली बेटियों के लिए। मना कर दिया? नहीं खुद ही मना की बात नहीं, कभी ये कहा कि चलो आज मैं अपने बेटे के लिए गाजर बनाना। तो भाई अभी सर्दी शुरू हुई है, तो पहली बार बनते ही वहाँ बेटियों के लिए, हमारे लिए तो स्टार्टिंग भी नहीं करी। हम घर में रहते रहते भी हम कुछ मीठा मांगे तो मीठा मत खा, वो मत खा, ये मत खा। अच्छा रहने दो मम्मी, रहने दो। अभी पूरा का पूरा दे दोगे क्या हमको? थोड़ा मत, हम भी खा लेंगे भाई। मखाने वखाने डाल के, किसमिस भी डाल के दे ना बेटियों के लिए, तो पूरा वो। ये टोपा पहन के अपने आपको तुम ज्यादा शेफ समझ रही हो ना? टोपा नहीं पहनू मैं, सर्दी में मेरी सांस लेने में गुनाह है। क्यों सांस लेने में गुनाह क्यों है? सो अभी हम जा रहे हैं भाई प्रिया के पास, क्योंकि आज कुछ काम धंधा तो हुआ नहीं है। और प्रिया का फोन आया था, संडे है, आकाश का भी फोन आ गया दो तीन बार, तो वो लोग बुला रहे हैं तो ना कि आ जाओ। वैसे भी प्रिया और आकाश ने एक शर्त लगाई थी, तो उसमें से पता नहीं शायद आकाश जीता या प्रिया जीती, कोई तो जीता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी जीता कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, तुम आ जाओ, हम क्या कहते हैं अब जो पैसे आएंगे जीतने पे शर्त में उससे पार्टी करेंगे। मैं ठीक है हम आ जाते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी जीता उन दोनों में से, ठीक है। तो वैसे उस शर्त में उन्होंने मुझसे कुछ फोन करके पूछा था, तो मैंने कहा कि ऐसे 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 हुआ था, तो उन्होंने कहा था हाँ मतलब कुछ है वो बात जो भी है वो वहाँ जाके मैं आपको बताऊंगा। अभी जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अभी टाइम लगभग हो रहा है 4 बज रहे हैं, तो यहाँ से 4:30 बजे तक मम्मी 4:30 बजे तक निकल जाएंगे। अभी तो ये बना रही है, तो मतलब वो ये 5 बजे तक निकलेंगे हम यहाँ से, है ना। और फिर 5 बजे के बाद देखते हैं, मतलब रात में ही वहाँ पहुँचेंगे, फिर रात में ही वापस आएंगे। इस लड़की ने पॉटी करके और अपनी पॉटी मेरे बाइक के साइलेंसर में घुसा दी। हैं कौन साफ करेगा उसे अब? हैं भाई कौन साफ करेगा? इधर आओ, इधर आओ, शक्ल दिखाओ अपनी। अच्छा अब भाग रही हो यहाँ से? अब साइलेंसर में जब जब भी मैं रेस दूंगा पीछे वालों को बदबू आएगी। तुमने देखी नहीं? अरे देखो तो सही, ज्यादा घुसा दिया क्या अंदर तक? तो फिर तो निकल भी नहीं पाएगी सर, तो वही सड़ेगी वो। देखते क्या करा है रूरू ने आज। अरे भाई यहीं से महक आ रही है मुझे तो। अरे भाई साहब वो ब्लॉक कर दिया है, तो ये तो ब्लॉक हो। अब क्या दिखाऊं तुम्हें, छोड़ो ये तो साफ करवाना पड़ेगा तो लग रहा मुझे। वैसे चलती तो है नहीं, मिट्टी बन जाएगी उस टाइम में। ये क्या करा है तुमने? तो भाई अभी हम निकल चुके हैं प्रिया के घर के लिए, करते करते 4 बजे से भाई 6 बज चुके हैं, और 6 बजे हम यहाँ से निकले हैं। और मैं इतना तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग जो है ये मुझे बात नहीं करने देते, व्लॉग नहीं करने देते, इसलिए मैं तेज तेज बोलना पड़ रहा है, जिससे मेरी आवाज को सुन के चुप हो जाए। अब थोड़ी सी शांति हुई है तो मैं धीरे बोल सकता हूँ। हाँ चलो भाई अभी चलते हैं। अभी मैं मम्मी और जो है सेवन यहाँ से निकल चुके हैं, लगभग हमें आधा घंटा एक घंटा लगेगा प्रिया के घर पहुँचने, तो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के आपको मिलते हैं। चलो भाई बुआ के घर आ गए हैं, आपने अपनी नीनी पूरी कर ली है। नमस्ते नमस्ते। अरे मैं आपको सरप्राइज देने वाला था, बड़ा अच्छा लग रहा है। उसने पहली सरप्राइज खोल दिया।
आप तो ईएमआई जैसे आ रहे जैसे पहले धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट बहुत बड़ा है। हां बहुत बड़ा है, तभी तो मैं कह रहा था कि ये बनाया क्या भैया ने, एक दिन आके ले लेंगे। सोच मेरी थी, डिजाइन प्रिया का है, मैंने सिखाया है, मेहनत प्रिया ने करी है, मेहनत तेरी, रहमत मेरी, प्रिया बेलदार थी, मतलब क्या कह रहा हो, प्रिया बेलदार थी, ये सोच मेरी थी, मैंने बताया था, वही। अभी हम जा रहे हैं विशु जी से मिलने के लिए, वो आए हैं विशु जी यहीं पर इंद्रपुरम में, तो एक बार इंद्रपुरम जा रहे हैं, वहाँ से मिलते हैं आधे घंटे उनके साथ बात बात करके, फिर उसके बाद वो जाएंगे दिल्ली और हम आएंगे यहाँ वापस, और फिर यहाँ से अपना मेरठ के लिए निकलेंगे। ठीक है चलो मिल के आते हैं। ठंड हो रही है, अब तो काफ़ी ठंड हो गई है भाई साहब, घर से बाहर निकल के पता चलता है कोहरा हो रहा है ना, यहाँ आके पता चलता है ठंड है कि नहीं। हाँ चलो मैच देख रहे हैं, कुछ और ही देख रहे हैं, उसे उसके गुब्बारे दिख रहे हैं, और अरे उसको पीछे खाना दिख रहा है। अच्छा उनका खाना छीन के खा सकती है, को खाना दिख रहा है पीछे वालों का, हमारा और हमारा खाना भी आया नहीं है, इसकी शक्ल देखो वही है। हाँ खाना मांग रही है, लग रही है कि प्याज भी खा लूंगा इस टाइम तो, मैं प्याज और चटनी और कुछ आए ना आए, प्याज चटनी खा लूंगा अब तक, अब लोग डाइट पर है ना। हाँ इसलिए हम प्याज चटनी खाएंगे बस, आज खाने में ये है आज हमारी अब मील है, मील ये है तुम्हारा पार्ट टू, ये देखिए प्याज के मजे से खाना, वो खा के दूसरे ले ली। प्याज अच्छी लगती है भाई, प्याज और चटनी अलग ही मजा है। खाना खजाना हो चुका है, 12 बज रहे हैं पर फिर भी यहाँ पर चहल पहले आज तो, क्योंकि भाई आज मैच था, फाइनल मैच था भाई फुटबॉल का, और अर्जेंटीना जीत चुकी है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे हमने पार्टी की है, मुझे एक नई बात पता चली है। क्या? अगर जो आपकी लिपस्टिक ज्यादा लग जाए ना तो वो लेके कर दो। कोहरा होने लगा कल का भाई, हाँ 12 बज रहे हैं भैया, पहुँचते मस्ते 1:30 बज जाएगा। चलो टाटा बाय 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 बाय, आई नो यू मिस द सेक्सी बॉय, बट 31 तक वेट कर लीजिए आप, 31 तक सेक्सी बॉय बन जाएगा ये, सेक्सी बॉय अभी भी है, वहाँ में रहेंगे मस्त। चलो ठीक है टाटा बाय बाय, चलो 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 12:30 हो गए, बाय। क्या कोहरा है भाई, है सर्दियों का, कौन कह रहा था कोहरा नहीं हो रहा, इस बार कोहरा नहीं हो रहा, आकाश कह रहा था यहाँ पता चल रहा है सर्दी, गाड़ी दिखा रही है और ये 12 डिग्री टेम्परेचर, तो बड़े आराम से 10 के करीब तो हो गई होगा भाई जी, एकदम ऐसा लग रहा है बादलों में चल रहे हम, रोड तो दिखाई नहीं दे रही, बस ये पट्टी की जो रिफ्लेक्शन है ना ये हल्की हल्की दिखाई दे रही है सामने वाली गाड़ी। ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जिस पे हम चल रहे हैं 20 की स्पीड पर, एक्सप्रेस वे स्लो वे बन गया है सब के सब भाई साहब लाइन से चल रहे हैं, किसी को यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चले तो चले का, हाँ अंधभक्त है इस टाइम हम सामने वाले के पीछे पीछे चल रहे हैं, बस कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, कोई साइड में कोई बाउंड्री ना कुछ, कुछ नहीं रोड है नहीं है कुछ नहीं पता, सामने वाला चल रहा उसके पीछे हम चल रहे हैं, और देखो सब देखो और 15 की स्पीड पे आ गए अब तो, कछुए की तरह चल रहे धीरे धीरे, टेम्परेचर हो रहा भाई साहब 9 डिग्री, 8 और 9 डिग्री तक चला गया, सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा, पर अभी हम जो है प्रतापपुर पहुंच गए, यहाँ से अभी हमारा घर जो है 10 किलोमीटर और बचा है, अभी लगभग 2 बज गए, तो मतलब हमें लगभग कितने 2 घंटे लगे, हाँ 12:30 बजे चले थे ना, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 40 मिनट का रास्ता था वो 1.5 घंटा हो चुका है, और अभी घर पहुंचने में अभी और 20 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं वैसे, हाँ इस हिसाब से आसान है भाई, कुछ ऐसा हाल चाल है यहाँ पे कैसा लग रहा है भाई लोग हैं, तो लगभग 2:10 पे हम पहुँचे, देखना सामने वाला घर नहीं दिखाई दे रहा ढंग से
मैंने पता मैं ऐसे 7 से 7 में पूछता रहा हूँ, हाँ भाई हमारी कॉलोनी कहाँ दिख रही है कहीं, क्योंकि इधर इस साइड का कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। भाई साहब क्या ही खतरनाक वाला कोहरा, ये कह रहे थे कोहरा नहीं हो रहा, ठंड नहीं हो रही, ठंड नहीं हो रही, लो ठंड आज तो ठंड का कह रहा है भाई साहब। इतना देर हमें दिल्ली से आने में ना बहुत टाइम बाद इतना टाइम लगा है, वो भी एक्सप्रेस वे से, तो पहली बार मतलब 2.5 घंटे लग गए। इस गाड़ी के साथ क्या है कि इसकी ना LED लाइट्स हैं और ये थोड़ी दिक्कत करती हैं फॉग में, जैसे इसकी लाइट जलाता था ना भाई साहब ऐसा चकाचौंध हो जाता था। नीचे वाली लाइट जिसमें ना हेलोजन देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से थोड़ी सी, पर ठीक है अब जो कुछ सुबह बता दूँ मम्मी के लिए अंदर आ जाओ, ठंड लग रही है ना शिमला है हनीमून में जाना था ना उसको, मुझे यहीं आ जा मेरठ में।